गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है हमारे इलाके के अंदर रेड अलर्ट है गाइस। मौसम विभाग ने पाली, सिरोही, अजमेर में अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश आ सकती है और जो है यहाँ पे हवाएं चल सकती है कई किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। तो गाइस उस तूफान का नाम है बीज पुरोहित तूफान। गुजरात के अंदर तबाही मचाने के बाद अब वो आ रहा है राजस्थान की तरफ और राजस्थान के अंदर यहाँ पे बहुत सारे शेर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है हम करने वाले हैं इस तूफान के अंदर 24 आवर। तो इस वीडियो के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लगे तब पूरी जरूर देखिएगा। मेरे छाते की तबाही हो चुकी है। एक दे बार यही तो गाइस यार ये जो चैलेंज होने वाला है ये पूरी तरीके से बाहर होने वाला है। यानी कि हम पूरे 24 घंटे बिताएंगे अपने घर से बाहर जंगलों के अंदर तूफान के अंदर फुल नेचर वाली वाइब और फुल जिंदा दिल जिंदगी। गाइस यार अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो बीच पुरोहित तूफान है वो कहाँ तक आ गया है रडार की मदद से। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मैंने रडार खोल लिया है और ये देखना जो तूफान है वो गुजरात को पार कर चुका है। गुजरात के अंदर बहुत भयंकर तबाही मचाई है इसने। ये रहा हमारा अजमेर और अजमेर से कुछ ही दूरी के अंदर है तो ये कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो ये हरा हरा और ये सब दिख रहा है गाइस ये तूफान का असर है, बहुत भयंकर तूफान। तो अभी अजमेर के अंदर यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आने ही वाला है। लेकिन भाई इसी का नाम तो मजा है, इसी का नाम है 24 आवर चैलेंज। खाना पीना पता नहीं कैसा होगा, जंगलों में चल रहा है भाई अभी। चलो यार अब देखो हम जाने वाले हैं इतने खतरनाक जंगल के अंदर और मौसम देखो पहाड़ों के ऊपर जो है बादल आ रहे हैं ऐसे खतरनाक तरीके से। और ये देखो ये जो रास्ता है पूरा भाई सुनसान, एक गाड़ी ये रही, पीछे देखो इधर देखो चारों तरफ देखो। इसी जंगल के अंदर हम बिताने वाले हैं पूरे 24 घंटे। चल रोटे बहुत ही घने जंगल के अंदर। ये देखो भाई साहब, ये देखो गाइस पूरा जंगल ही जंगल है और इसके अंदर हम बिताएंगे 24 घंटे। भैया इधर ना कोई बंदा रहता है ना किसी बंदे की जा, कोई नहीं। उधर देखो यार अभी फाइनली हम जो है एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, इससे आगे रोड खत्म हो जाती है। ये देखो तो दोनों गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। देखो फॉर्च्यूनर यहाँ पे है, यहाँ पे चमन भाई जो है जिनको चोट लग गई चमन भाई, ये देखो इसका जो है माता भूड गया रास्ते के अंदर, तो ये यहीं पे रहेगा, दोनों गाड़ी की रखवाली करेगा और अपन सब जाएंगे उधर। देखो गाइस उधर देखो, इतिहास दिखाओ उधर दिखाओ उस जंगल के अंदर। किसको डर लग रहा है, यही रुक जाओ। नहीं डर के आगे जीते, मुझे चलना है, तुझे चलना है, रुकने को कोई भी तैयार नहीं है गाइस। गाइस अभी देखो बरसात कितनी तेज हो गई है, पानी का बहाव देखो यहाँ पे बहुत गहरा गहरा पानी है। गाइस पीछे जो है रास्ता थोड़ा सा, हम मैं इनको लेके तो आ गया लेकिन अब पीछे रास्ता थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे। ये सभी लोग अभी मजाक में ले रहे हैं सब चीजों को, वो देखो। लेकिन आप देखो कि रास्ता कितना खतरनाक है, थोड़ा रिस्क तो हो सकता है यार,
थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि भैया खूब मेन जंगल के अंदर आ गए, इधर नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। गाइज अभी जो है हम इस खतरनाक लोकेशन पे आ गए हैं, अब यहाँ से हमें सीधा ऊपर चढ़ना होगा, ऊपर ऐसे करके ऐसे। नीचे उतरना होगा वरना भैया दिक्कत हो सकती है। अब चलते हैं नीचे। जबान नीचे पेट्रोल पंप के पेट्रोल। अब चलो यार, अब नहीं रुको, चलो। अबे अपन रास्ता भूल गए, वो लोग किधर है? बहुत बड़ी गलती कर दी यार ये। मेन तो क्या रास्ता भूल गए यार, रास्ता किधर का है? उधर से आ रही आवाज। अरे हाँ हाँ उधर से आ रही आवाज, उधर से आ रही आवाज। गाइस इधर चलते हैं। गाइस शाम होने से पहले हम आ गए हैं। बेचारा भवानी भाई एसी चला के सोया हुआ है क्योंकि उसको डर लग रहा था, तो इसने बंद कर दिया कैमरे के आगे थोड़े छीटे आर के, इसीलिए वो माइंड मत करना। अब हमें जो है जल्द से जल्द कोई भी ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे हम टेंट लगा सके और खाना बना सके और आग जला सके। आग जलाने में बड़ी दिक्कत होगी, सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है। बैठो भाई बैठो, गाड़ी निकालो यार। गाइस भवानी भाई जो है बिल्कुल सूखे हुए हैं, हमने रेनकोट पहना था फिर भी थोड़े थोड़े से गीले हो गए गाड़ी के अंदर बैठने के चक्कर के अंदर। तो अभी कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, पहाड़ पे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली भैया जहाँ पे रुक सके और दूर भी थे, तो अभी कोई बढ़िया सी जगह देखते हैं, वहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे, कुछ बनाएंगे। भाई भूख लग गई, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जगह पे। और भाई अब यहाँ पे जगह देखनी, यहाँ पे गाइस कोई टेंट वेंट ले लो भाई आगे ले। गाइस जंगल के अंदर आए हुए हैं, घर नहीं, घर जाना भूल जाइए भैया, घर से 100 किलोमीटर दूर है हम, तो वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गाइज हमें जो है ये लोकेशन मिली है, हम सोच रहे हैं कि आज रात जो है वो बाहर तो आते बस। ओ गाड़ी का ये क्या हाल हो गया गाइज। खैर जो भी है, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे जो है मौसम देखो, और भाई साहब ये देखो एक गाड़ी है वो भी आ रही है। हम क्या रास्ता एस्कॉर्ट करने के लिए आए थे, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जगह है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टेंट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना ये अलग टाइप की मिट्टी है, तो इसके अंदर पानी रुस जाएगा वरना दूसरी जगह पे पानी भर जाएगा। उधर चारों तरफ तालाब भरे हुए हैं यार, और सर्दी लग रही है खतरनाक। आजा मोटा आजा। गाइस ये भाई लोगों ने यहाँ पे गाड़ी बिठा दी है, पूरी रात होने वाली है और इनको यही जगह मिली गाड़ी फंसाने के लिए। ये देखो अब तार काकोड़ है, इन्हें टेंट लगाना है, जल्दी निकालो इन बिठाने दी गाड़ी ने। अब पता नहीं गाइस वो फॉर्च्यूनर से निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अभी देखते हैं। ओए निकल गए। चलो दोनों गाड़ी 4x4 है तो इसका ये फायदा तो है, ये देखो। चलो तो गाइस यार यहाँ पे जो हवा बहुत तेज चल रही है, अभी हमें जल्द से जल्द जो है टेंट लगाने होंगे ताकि जो है हम उसके अंदर रात गुजार सके। पकड़ ले गधे, पकड़ ले उसको, सीधा घर वापस, सीधा घर। और यहाँ पे इन्होंने टायर भी पिंचर कर दिया है। गाइस यहाँ पे जो है टेंट लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, भाई जल्दी लगा, टेंट लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है यहाँ पे। गाइस हवा की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है टेंट लगाने के अंदर। मौसम देखो गाइस, अभी देखो ये देखो भाई साहब, इधर देखो जादू के काका, इधर उजाला कर ले। गाइस अंधेरा हो गया लेकिन अभी तक तो हमसे एक टेंट में नहीं लगा है, हवा ही इतनी तेज चल रही है क्या करें। ये देखो अंधेरा हो गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे ये चैलेंज थोड़ा सा भारी लगने लग गया, बहुत ज्यादा भारी, थोड़ा क्या। दूसरा जो टेंट है वो भी लगने की कगार पे है, बड़ी मशक्कत के बाद में। खैर टेंट लग जाए तो उसके बाद भैया पेट पूजा के लिए कुछ खाना वाना या फिर कुछ बनाते हैं, भूख लगी है बहुत भयंकर वाली और सर्दी लग रही है जो पूछो मत। लेकिन भाई साहब ये देखो, ओह माय गॉड, भाई सच बता रहा हूँ मैं, अभी ये जो टेंट है ना ये 5-स्टार होटल से कम नहीं है हमारे लिए। बाहर देखो तुम, बाहर देखो एक बार, ये देखो बाहर भाई साहब, ना इधर बंदा है ना बंदे की जान, ये तो हम इतने सारे हैं इस वजह से डर नहीं लग रहा, वरना तो भैया फट के हाथ में आ जाए। मैं तो साफ बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे गुगू बन के बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने मेरे कपड़े गीले हो गए। बाकी भाई इसे कहते हैं टीम, सारा काम अपने आप कर रही है,
किसी को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, सब बिना बोले अपना अपना काम कर रहे हैं, बस बारिश के अंदर परेशान हो रहे हैं। अब क्या करें, चैलेंज है तो है यार, 24 तो बितानी पड़ेंगे। गाइस यहाँ पे अब खाना बनाने के लिए गैस लगा रहे हैं। अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको। गाइस सभी लोग जो है अभी अंदर आ चुके हैं, चेंज भी हो गया है। ओ सॉरी एक ही है मेरे पास, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारी ये जो हाबुड़े हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो अबे किधर से आ रही है? तो ये देखो इधर खाना बनाया जा रहा है गाइस, रसोई इधर है, पूरा खाने का प्रोग्राम सारा इधर ही है हमारा। तो ये बहुत सारे हलवाई बैठे हुए हैं, ये जिले के टॉप शेफ है गाइस, इनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। जब भी आप देख सकते हैं कि जो वेदर है वो भाई साहब बिल्कुल हमारे ऊपर आ रखा है, मतलब ये जो रडार के अंदर ये जो तूफान है ये बिल्कुल तूफान के बीचों बीच के अंदर हमें, ये देखो भाई तूफान में नहीं टिक पाया अपने सामने है चमन, अपने सामने कुछ भी नहीं टिक पाता यार। गाइस हमारा जो है चूल्हा फ्री नहीं था, हमें भूख लग रही थी, तो ये देखो मैगी बन रही है कुछ इस तरीके से, हाथ में गैस स्टोव पकड़ रखी है और ऊपर से मैगी बन रही है। देखो फाइनली हमारी जो मैगी है वो बन चुकी है, ये। अब गाइस बस दिक्कत ये है कि हमें जो है चाकू से इसे टेस्ट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच हमारे पास नहीं है। मैगी खा लो गाइस, चमन प्याज काट रहा है इसमें, चेहरे पर उजाला। हाँ ये गाइस मैगी खा लो। गाइस मैंने तो मैगी खा ली थकान की वजह से, मुझे तो आ रही है नींद। ये लोग भी सो रहे हैं, ये चमन भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, बाकी ये देखो पूरा चद्दर जो है ये गीला हो रखा है, और ये लोग बना रहे हैं कोई सब्जी वब्जी रोटी वोटी, मेरा तो इच्छा नहीं कर रही है, मैं तो सो रहा हूँ। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी छतरी वगैरह सब उड़ गई, ये देखो। और भाई रात को इतनी बारिश थी ना भयंकर, अभी बारिश नहीं है, अभी तो रुक चुकी है बारिश, तो अभी थोड़ी देर में आने वाली है मेरे को लग रहा है। ऐसे देखो मौसम तो ऐसे ही हो रहा है कि बारिश आने वाली है यहाँ पे, ये देखो एक ही अंदर सो रहा है। मैं अभी घूम रहा हूँ बाहर क्योंकि मौसम काफी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, और ये देखो हमारे टेंट जिसमें सभी सो रहे हैं अभी, तो देखो ये दोनों कैसे सो रहे हैं। देखो गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई साहब रात को जो है आंधी तो आई, लेकिन ये आर्मी वाले टेंट है तो कैसे न कैसे करके ये बच गए, और भैया सो तो गए हम रात को यहाँ पे, और कोई जानवर वानवर भी नहीं आया वैसे तो, और जो तूफान आया था बेचारा वो भी छट गया, तो अभी बारिश वगैरह रुक चुकी है। तो फटाफट से गाइस सुबह तो हो गया, फटाफट से इन सब चीज़ों को पैक करते हैं और अब घर की तरफ रवाना होते हैं, और बीच में यहीं पे या फिर जहाँ पे भी सही जगह लगेगी नाश्ता वना खाते हैं। यार भूख लग रही, रात को तो उस मैगी खाई थी और इन्होंने केवल सब्जी खाई थी। गाइस जो तूफान है अभी वो देखो, पहले अजमेर में था, अभी अजमेर से सीधा कोटा और टोंक की तरफ चला गया है। हमने जंग जीत ली है, तूफान के अंदर सर्वाइव कर लिया है, लगभग एक दो घंटे और हैं फिर हमारा 24 आवर चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। तो भैया आप टेंट वेंट उखाड़ो यहाँ से, चलते हैं वापस, यहाँ से 100 किलोमीटर का रास्ता है घर का। गाइस तूफान खत्म, हमारा काम भी खत्म, चलो अभी विदा लेते हैं, क्योंकि अपने उधर भी तूफान आया है, तो खबरें आ रही है वहाँ से कि भैया जो अपनी लेक है वो फुल भर गई है, तो वहाँ पे भी वीडियो शूट करनी है अलग अलग आपके लिए मज़ेदार। तो अभी तो आपसे विदा लेते हो चमन, सारा कचरा उठा ले बेटे, यहाँ से एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? एक डिस्पोजल, एक छोटा चम्मच भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, कचरा कचरे की जगह फेंकेंगे। अरे हाँ सॉरी, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ में। भाई लाइक कर देना यार, साइक्लोन के अंदर 24 घंटे बिताया घर से 100 किलोमीटर दूर, लेकिन टीम और थोड़ा मजा भी आया, पहली बार इतना मजा आया जंगलों के अंदर रात गुजारी, मजा आ गया। तो खत्म करें वीडियो को गाइस, खत्म कर दो, तो कर दो खत्म भाई, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।